नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नंद किशोर, मैं एक शराबी हूँ। भाई हाँ नमस्कार। है, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। केवल परमेश्वर की कृपा और अल्कोहलिक एनोनिमस की सुंदर संगत और आप लोगों का साथ, इसलिए आज तक ये दारू से दूर हो गए। अभी यहाँ विषय दिया गया है और मैं हिंदी में, मैं ज्यादा मराठी में शेयरिंग करता, लेकिन ठीक है, कोशिश करता हूँ दोस्तों, क्योंकि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ये कहीं तो भी सुना है दोस्तों। सच में दोस्तों, मैं सबसे सर्वप्रथम मैं मेरा मेरा जो ईश्वर का आभार, जिन्होंने आज तक मुझे जीवित रखा है, इस विषारी घोड़ से मुझे दूर रखा है दोस्तों। सच में मैं मेरे जो डॉक्टर बॉब बिल डब्लू, जिन्होंने मेरे जैसे जो पीने वाले है, शराबी है, उनके लिए संस्था जो निर्माण की और इसका मैं कुछ सदस्य बनाया, मैं बहुत तहे दिल से उसका शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। क्योंकि मैं कभी समझ नहीं पाता था कि मेरी दारू छूटेगी। और वैसे मेरे घर वाले, मेरी बीबी, मेरे जो बच्चे, मैं उनका भी बहुत यानी गुनहगार हूँ दोस्तों। यानी कभी कभी वो पीछे मुड़ के देखता है कि क्या हुआ, मैंने क्या किया। आज दिखाई देता है दोस्तों, मैं मेरे पिताजी को नहीं छोड़ा दोस्तों, मेरे परिवार को नहीं छोड़ा, जो भी मेरे साथ जो जो घटा है, सबको दुखी करके मैं इस मीटिंग में आया दोस्तों। सच में मैं क्या बोलू, क्या शेयरिंग करूँ। सच में दोस्तों, मैं ही बहुत ही अटल बेवड़ा शराबी, मेरा नाम नंद किशोर है दोस्तों। और सच में मैंने विषय दिया गया है कृतज्ञता भगवान के प्रति और देह का सफर। सब टूटा फूटा जीवन लेके आया दोस्तों, मीटिंग में आया नहीं, लाया गया दोस्तों। कभी कभी गलती भी हो सकती है, माफ करना दोस्तों। सच में जीने की तमन्ना भूल गया था, नौकरी थी दोस्तों, मैं शहरों में पढ़ा, भाई था मेरा, भाई के घर में रहकर कॉलेज किया, मैंने उच्च शिक्षा ली थी दोस्तों। और एक अलग ग्रामीण भाग में, गढ़चिरौली जैसे दुर्गम भाग में मुझे नौकरी लगी दोस्तों। बहुत ही अच्छी नौकरी थी, बहुत ही अच्छा जो मेरा कार्य क्षेत्र था, नाम भी शुरू में नाम भी कमाया था दोस्तों, वो मेरे जो काम से, क्योंकि अच्छे परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे मैं शराब नहीं पीता दोस्तों, काम करता था, घर में आता था, बीवी भी थी, सब खुशहाली थी दोस्तों। लेकिन ऐसे करते करते ये दारू मेरे जीवन में आई दोस्तों। जीवन में आई बोला तो मैं थोड़ी थोड़ी पीता था दोस्तों, एक नीक के ऐसे मैं जो भाग करता था हफ्ते के हफ्ते में, तो ऐसे वो मैं पीता था, घर में कुछ ये नहीं था, ऐसे ही चलता था दोस्तों। फिर धीरे धीरे शराब मेरी बढ़ने लगी दोस्तों, समझ में नहीं आया, बीबी को पता लगा, नहीं मान रहा था दोस्तों, मेरे पार्टियां बढ़ गए थे और धीरे धीरे मेरी हिम्मत बढ़ गई थी दोस्तों। अच्छी ब्रांडेड पीता था दोस्तों, लेकिन वो ब्रांडेड ज्यादा दिन नहीं रही दोस्तों। 20 साल मैं शराब से लत में था दोस्तों, 20 साल गुजर गए दोस्तों, 20 साल। यानी मुझे नहीं लगता था कि मैं जीवित रह पाऊंगा, क्योंकि वजन भी कम हुआ था और ऐसे अनगिनत जो रोग भी हुए थे। यह मद्यपान तो आजार था मुझे, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे बीमारी थी दोस्तों, हार्ट की, यानी हृदय रोग की दोस्तों। मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है दोस्तों, 2000 साल नागपुर में हुआ। वो डॉक्टर ने बोला कि तेरे दोनों भी वाल खत्म हो गए बाबा, तू बचेगा नहीं, तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेजर ऑपरेशन हुआ था दोस्तों, 8-10 घंटे का। मैं डर गया दोस्तों, लेकिन मेरे जीवन में शराब थी दोस्तों, मैं माना नहीं। मैं डॉक्टर को भी माना, ना किसी को भी माना, बोलो चलो देखेंगे। बीबी ने पहले, मैं तब नया नया नौकरी में लगा था, डर गई थी, बीबी भी जॉब करती है दोस्तों, तो वो भी यानी छोड़ दी थी कि अपेक्षा कि बाबा क्या होगा क्या नहीं। और डॉक्टर ने पूछा था कि 20% गारंटी दे सकता, 80% मैं नहीं दे सकता, इतना यानी जो पूरे मेरी जो अव्यय है कमी हुई थी। लेकिन परमेश्वर की क्या कृपा थी, पैसा खर्च हुआ दोस्तों, और तब मैं एमए यानी आने का था दोस्तों। आज 24 साल हो गए दोस्तों, वो मेजर ऑपरेशन होके 24 साल हो गए दोस्तों। और 2013 में ए में आया दोस्तों, कुछ नहीं था दोस्तों मेरे पास, ना पैसा था, ना इज्जत थी, ना ऊंचे विचार थे, पूरे नीचे यानी कमर के नीचे के जो मैं सोच विचार कर रहा था तक। और मैं जैसे ही मीटिंग में लाया गया, तो मैं पहली मीटिंग किया दोस्तों चंद्रपुर, और उससे शुरू में मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि मुझे, मैं नौकरी थी तो मैं कर्जा लेने के लिए मैं चंद्रपुर में आया दोस्तों। मैं हर बैंक में गया, मुझे जो पगार मिलता था उससे सिर्फ मेरा जो जो क्या बोलते जो वजह थी बोलते अपन, जो कटता नहीं क्या, कर्ज ले लेके सब भी वो यानी रहता, कोई बैंक वाला कर्ज देने के लिए नहीं करता था, हिम्मत नहीं करता था। तो ऐसे ही करते करते जो बिल्डर था, वो ए का सदस्य था, मुझे नहीं मालूम था दोस्त, मैं उसके
चेम्बर में जब गया उसके टेबल पे जो प्रेयर थी, हे ईश्वर देवा जा परिस्थिति लंबी बदलू शकत नहीं थी परिस्थिति सुधर में, लेकिन मैं सुनता नहीं था दोस्तों। मैं 50-50 हजार का उन्होंने बरोबर बना दिया और 5 लाख का वो उन्होंने जो कर्ज है वो कैसे तो भी प्राइवेट बैंक से मंजूर कर दिया दोस्तों। मैंने ऐसी हालत हो गई थी दोस्तों, दर बदर की ठोकरे खाकर मैं आया था दोस्तों। मैं वो 50-50 हजार के चेक देता था और चला जाता था, मैं पीके रहता था, मैं मानता नहीं था दोस्तों। क्योंकि यहाँ बोलते हैं कि पहली पहली तू स्वीकार कर रही बाबा, तू कौन है। मैं एक मीटिंग में जब वैसे आया था दोस्तों शुरू शुरू में, बाबा ये सब बोल रहे हैं कि मैं शराबी का अपना परिचय दे रहे थे, तो ये मेरा अंदर से जो मुझे यानी 1 साल लगा दोस्तों मुझे, क्योंकि मैं मानने वाला ही नहीं था। मैं थोड़ा सा अलग ही था, मैं हटके हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये शराबी होंगे, मैं नहीं हूँ, मेरा कुछ गया नहीं। अरे सब गया था दोस्तों जमीन पे, यानी यही होना बाकी था दोस्तों। तब भी मैं ये नहीं सोच रहा था कि मन से नहीं सोच रहा था कि बाबा अंधेरा था ये है। तो वहां बैठा दोस्तों, मेरे को प्रेयर भी बोलता भैया ने बोलनी नहीं आती थी, जो 12 कदम है 12 परंपरा है वो पढ़ने आती थी। मैं कभी कभी पढ़ने जाता तो मेरे हाथ हिलते थे, क्योंकि मैंने सुबह दोपहर शाम को जब बोले तब वो मेरी दारू का यही था दोस्तों। तो ऐसे करते करते सच में आया और डर लेके आया था दोस्तों, बहुत डर था। घर से बाहर निकलने के लिए डर, यानी किसी के पैसे देने के लिए डर, उससे भी डर लगता है। और ऐसे ही करते करते वो बोलते हैं कि ये शराबीपन की इसमें पागलपन आता है दोस्तों। वो भी आया था दोस्तों, साइकेट्रिस्ट के पास गया, डॉक्टर ने खुद बोला कि बाबा रे ये यानी उसको नींद ही नहीं आती है। मैं 2-2 बजे रात रात में उठकर मैं सबके लाइट लगा दे, यानी अपने घर के लाइट लगाता था, बच्चे को बेड यानी बेड के जो है सोया हुआ है तो उसको भी लाइट चालू करो, मेरा भी लाइट चालू करो। मैं कुछ भी ऐसा इधर उधर भटकते रहा था, क्योंकि जब शराब उतरी तो मेरी ये यानी ये ऐसे होते थे कुछ। तो डॉक्टर ने बोला कि बाबा ये इसके वजह से है, लीकर के वजह से है। तो मुझे 2 इंजेक्शन दिए और मैं 2 दिन तक सोया दोस्तों। तब धीरे धीरे यह रिकवर होने लगा और यह मीटिंग में आया दोस्तों। और मीटिंग में बहुत बड़े सीनियर बांधो वो बोल रहे थे कि बाबा रे तेरा कुछ नहीं गया है, आ सिर्फ मीटिंग में बैठ। मैं चंद्रपुर की हर मीटिंग कर रहा था दोस्तों, और हर मीटिंग में वो ब्लैक बोर्ड पे वो लिखा हुआ था दोस्तों, एक दाता दारूडिया कायम सा दारूडिया, मराठी में दोस्तों बहुत जानलेवा बीमारी है, मरते दम तक रहने वाली है, लेकिन एक दिन के आधार पे इसको दूर कर सकते हैं दोस्तों। ये विश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा दोस्तों। मुझे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, मैं सुन रहा था, सिर्फ शेयरिंग सुन रहा था, अच्छी अच्छी शेयरिंग सुन रहा था, नए लोग भी मस्त बता रहे थे, मैं भी नया नया आया था, 1 साल हुआ था दोस्तों, मैं भी मस्त बोलने लगा, तालियां बजने लगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि मुझे मेरा संतुलन मेरे ऊपर नहीं था दोस्तों। तब भी बीबी बता रही थी, बीबी भी एलआईएम की मेंबर है, तो उन्होंने समझाया कि क्योंकि ये मध्यपास एक जो आजार है, क्योंकि एए का सफर मेरा इतना बहुत ही कठिन गया है दोस्तों। बच्चे छोटे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तब मेरा ये शराबीपन चालू था दोस्तों। उनको प्रेम देना था, वो प्रेम नहीं दे सकता दोस्तों। उनके पैसे जो ट्यूशन के पैसे है, स्कूल फीस के पैसे है, मैं दारू की वजह से खर्च करता था दोस्तों। बहुत ही तंगी थी दोस्तों, समझ में नहीं आता था क्या करूँ। मेरे पास मोटरसाइकिल ने साइकिल थी दोस्त, क्योंकि भाई के यहाँ पढ़ा था तो भाई ने सीधा बोला, यानी वो बहुत ही अनुशासित थे दोस्तों। पिताजी भी अनुशासित, क्योंकि उनके आग में आग कभी डालकर मैं बात नहीं किया दोस्तों। आज भी भाई का जो रिस्पेक्ट है, जो हमारा मेरा बड़ा भाई है उसका रिस्पेक्ट था ही दोस्तों, उसके साथ पढ़ के भी, क्योंकि आज भी मैं कितना भी बड़ा हूँ, यानी मैं बड़ा नहीं बोलता, वो बड़ा है मेरे से, मैं किसी से बड़ा नहीं होना चाहता दोस्तों, मैं विचारों से बड़ा रहना चाहता। और ये विचार एएम मिलते हैं दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस, और खरगो यानी सचमुच दोस्तों अगर एएम में आते रहे तो सब कुछ, यानी हम बोलते हैं कि ये दिन भी कोई दूर नहीं दोस्तों। और अच्छे जीवन जीने के लिए मुझे ए की आवश्यकता है, यहाँ पैसा नहीं, कुछ नहीं, किसी जाति भेद नहीं, कुछ नहीं दोस्तों, आते रहना आते रहना। क्या बोलते, थिंक थिंक थिंक, विचार कराओ विचार कराओ विचार कराओ, यही विचार करता था मैं पहले। कैसे करता था कि मैं कहीं कुछ यानी काम करना है तो मैं खुद का निर्णय मैं खुद लेता था, ना बीबी को पूछता था ना बच्चे को पूछता था, बच्चे तो छोटे थे, बीबी को तो ऐसे ही करके दोस्तों मैं ये बड़ी भूल कर दी कि नेशनल हाईवे का जो प्लाट था, एनए का प्लाट, वो शराबी पन की वजह से प्राइवेट जो फंड लिया था छोटे छोटे,
उसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत होने लगती थी। कहीं मैं किसी के पैसे नहीं डुबाया दोस्तों, 12वीं उधारी थी, बड़े चाव से जाता था, हिम्मत से जाता था। कभी बैग पिए 90 पिए तो मैं 90 पे नहीं रुकता था दोस्तों। मैं सुबह 8 बजे बियर बार में बैठता हूँ, तो बंद होते तक तो मैं उसमें रहता था। यानी ये मेरी शराबी कंपनी। मेरे दोस्त चले जाते थे क्योंकि मैं थोड़ी सी पीता हूँ करके अगर चला गया, मैं आज भी नहीं बोल सकता, लेकिन ये एए में आने के बाद ही हुआ कुछ। आज भी मुझे डर लगता है दोस्तों ये पीने से। बहुत सारी परिस्थितियां आई है, बहुत सारी ये हुई है दोस्तों। शुरू में आया है ये इस मीटिंग में, वो अजीत एल की जो शेयरिंग, जो ए क्लास ट्रस्टी थे उनकी शेयरिंग में मैं एक बात सुना दोस्तों कि प्रेयर करना है तो बड़े घर में कर रहे हो, मूलकरण भी है तो अपने मन में श्रद्धा है तो यानी आवाज करके करो, क्योंकि किसी को समझ में नहीं रहे। मैं मन में करता हूँ कभी कभी, और एए में जाता हूँ तो बड़े जोर से करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये प्रामाणिकपना, खुले मन और इच्छे से तैयारी, ये जो तीन जो शब्द दिए गए हैं। क्योंकि मैं बहुत ही तत्वज्ञानी था कि मैं विचार करता था, अरे प्रामाणिकपन तो मैं तो प्रामाणिक रहता हूँ, लेकिन कहाँ प्रामाणिक था दोस्तों मैं, क्योंकि मैं बहुत झूठ बोलने वाला था। मेरे ही पैसे मैं कुछ कमा के लाता था, उसमें से एक नोट कैसे मैं मारू, इसमें से एक नोट कैसे चोरी करूँ, ये मैं सोचता था। क्योंकि ये बड़ा बेवड़ा बड़ा चालाक होता है, चतुर होता है, क्योंकि ये इसमें यानी बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि उस वो ये सब थे, झूठ बोलना, ये करना, वो करना, सब ये हुआ था दोस्तों। ऐसे करते करते ए में आने के बाद 1 साल हो गया दोस्तों, टोकन लिया। टोकन लेने के बाद फिर मुझे लगा कि बाबा ये मीटिंग में आने के बाद मैं दारू से तो दूर हूँ, लेकिन मेरे विचार में जो उन्नति नहीं थी दोस्तों, मेरे चेहरे पे कोई यानी प्रसन्नता नहीं, सब लोग हंसते थे यानी बड़े बड़े अच्छे से, बड़े मुस्कुराते थे, यानी मेरा मुरझा हुआ चेहरा क्यों ऐसा। तो सच में ऐसे 2-3 साल हो गए दोस्तों। बिग बुक लेके था वो, किसी मेरे इसमें कुंटे में वो रखे था दोस्तों, ये बिग बुक बोलते थे। मैं पुनर्जीवन की मीटिंग ज्यादा करता था, एकता का मेरा होम ग्रुप है दोस्तों। अच्छे अच्छे यानी अच्छे अच्छे लोग थे वहाँ, डॉक्टर जैसे लोग वहाँ यानी यहाँ थे दो दोस्तों, और बिल्डर जैसे लोग थे वो, जिन्होंने हार माना। तो मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ दोस्तों, मैं कौन हूँ। तो ये सच में मुझे लगने लगा। तो ये उसमें थर्ड बता रहे थे, ये बता रहे थे अल्को यानी बिग बुक, ये 12 पहरा क्या है, 12 जो 12 कदम है, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। क्योंकि अगर मैं दारू से तो दूर हूँ, लेकिन मैं पहली पहरी जो यानी दिया गया है, यानी मैं मध्य शक्ति बड़े हद बलवान माध्य जीवन अस्तावस्त, जो अस्तावस्तता थी वो तो वैसे ही थी दोस्तों, उसमें कुछ ये नहीं हो रही थी। मैं बता रहा था कि मैं दारू पीने से ये पीता था, वो पीता था, यानी वो जो बोलते हैं कि ड्रंकलाजी, यानी मोह की पीता था, देशी की पीता था, इंग्लिश पीता था दोस्तों, वो भी मेरे जीवन में आई थी दोस्तों। उससे भी मैं यानी दर दर की ठोकरी खाया दोस्तों। कभी कभी पीने के लिए पैसे नहीं रहते थे, यानी मैं कभी कभी पैसे खत्म हो गए, बीबी चली गई ऑफिस में, तो मैं ढक्कन देखता था दोस्तों, कहाँ थोड़ी सी एक बूंद मिलेगी, 2 बूंद मिलेगी, यानी मेरी रिकवरी इतनी ये थी, जबरदस्ती, मैं रोक नहीं सकता था दोस्तों। एक बार वो बियर में अपना बार में जब ड्राई डे, तो ड्राई डे की वजह से ये अभी हम मेरे को तो चाहिए थी, मैं वेटर के हिस्से, अरे तेरे पगार से उधारी पे लेके मेरे को दे रहे बाबा थोड़ी सी पीने के लिए, ये ऐसे भी कर चुका हूँ दोस्तों। यानी कितने नीचे स्तर पे मैं गिरता था ये मुझे मालूम है दोस्तों। और सच में ये परमेश्वर की कृपा कि मैं आज ये आपके संगत में हूँ दोस्तों, अच्छे संगत में हो दोस्तों। मैं मेरे कार्य क्षेत्र के जो अच्छे पढ़े लिखे लोग उसको छोड़ दिया सब दोस्तों, क्योंकि जो उनकी वजह से ही मैं ये इस बीमारी को ग्रसित कर रहा था दोस्तों। मुझे जो नहीं पढ़ता है उसको छोड़ दिया दोस्तों, क्योंकि वो पीते हैं, वो आराम से रहते हैं, क्योंकि जो आज भी पी रहे दोस्तों, आज भी पी रहे हैं। मैं बोलता मेरा मेरा सब कुछ गया रे बाबा, मैं बीमार व्यक्ति हूँ, वो मुझे जमता नहीं। और इसीलिए मैं सच में दोस्तों ये का हाथ पकड़ा, एक सिनेर बांधव बांधव का हाथ पकड़ा, उनके यहाँ रहता था, उनके विचारों पे सुनता था, क्योंकि ये 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए। आज ऑनलाइन शेयरिंग करता हूँ, ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ दोस्तों। वहां भी यानी मैं बम्बई में जाके मेरे भाई के साथ यानी बम्बई गया था दोस्तों, और बम्बई में GSO जहाँ जो मीटिंग होती है वो भी देखा दोस्तों, वो मीटिंग में जाके बैठा। बाप क्या इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, 60-60 साल के हैं, 40-40 साल के सोवर, यानी हम तो कुछ नहीं दोस्त, यानी वो भी अगर विश्वास रखते तो मेरे जैसा क्यों नहीं था। सच में दोस्तों तब से जो यानी चल रहा है, और ये एको पकड़ने की वजह से
एक जीवन में जो शांतता है, जो प्रसन्नता है, वो अपने आप मिलती रहती है। मैं क्या, मैं कौन सी कदम में हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये कदमों का कार्यक्रम है दोस्तों, ये विचारों का कार्यक्रम है। मैं मेरे विचार जब तक मैं बदल नहीं सकता। अभी एक भाई ने बोला था कि मैं दारू पीने के इसमें, मैं गोल्डन लॉटरी है, लॉटरी सेंटर, मैं उसमें तो पूरा सत्यानाश कर डाला दोस्तों। मैंने अपने आप को 3 लाख जो सोसाइटी निकाली, और सुबह से 8 बजे से चालू होने वाला जो कार्यक्रम है वो 10 बजे बंद होता है दोस्तों, वो भी लगा के देखा दोस्तों। आते थे जाते थे, एक्सीडेंट हो गए दोस्तों, मैं डिवाइडर को मार दी, उसको पहुंचाने गया, टू व्हीलर थी दोस्तों, उसको इतने जोर से मारा कि 2 4 दांत गिर गए दोस्तों, और जबड़ा फट गया था। तब ऑपरेशन हुआ ही था मेरा, मेरा ब्लड रुकता नहीं दोस्तों, क्योंकि जो यानी मुझे डॉक्टर ने कहा था कि भाई ये गोला लेना है। सच में दोस्तों तब भी मैं सुन नहीं रहा, क्योंकि तब अल्कोहल मेरे इसमें पूरी यानी ये कर विजय पा ली। फिर बाद में ऐसा हो गया दोस्तों, आज भी पलट के नहीं दिखता दोस्तों, क्योंकि आज जो है, जो जो कुछ बचा है वो तो भी संभाल, अभी जो गया है वो मेरा नहीं है दोस्तों। इसलिए आज भी दोस्तों अच्छी जी यानी विचारों में रहने की कोशिश, अच्छे दोस्तों के साथ रहने की कोशिश करता हूँ। यहाँ भी यानी जो बोलते हैं कि नकारात्मकता और सकारात्मकता, सकारात्मकता के इसमें रहता हूँ दोस्तों, होगा यानी आज भी काम का बोझ है दोस्तों। जो मेरी मिसेस है उसका भी जॉब अच्छा है, काम बहुत रहता है दोस्तों, कभी कभी देर से आती है, क्योंकि जब पीने के कारण मैं थोड़ा सा ये लगता था कि मेरे को क्षमता कुशलता नहीं, क्या जो बोलती है ना थोड़ा सा संशय, अभी नहीं होता, क्योंकि इस विचारों से मैं कभी ये नहीं रखता दोस्तों। आज भी लेट होती है तो मेरे जो काम है, मैं जैसे जल्दी आया, मैं कभी कोई चाय मांग के देता हूँ दोस्तों, मेरे को कोई यानी कमतरता नहीं देता दोस्त, ये रखती दोस्त, यार तू करेगी या मैं करूँगा, दोनों भी कमाते हैं दोस्तों। आज बच्चे अच्छे पढ़ाई कर सके, मेट्रो सिटी में काम कर रहे दोस्तों, एक की शादी हो गई दोस्तों, ये एक ही कृपा है दोस्तों। क्योंकि मेरे जैसे बेवड़े के लड़के को अगर कोई लड़की देता बोला था, क्योंकि ये सब देख के, अगर देखे कि अच्छे घर का था, अच्छे परिवार का था दोस्त, सब छोड़ दिए थे ना, तो पिताजी भी बोलते थे मरते दम तक, अरे बाबा मैं तेरे को छोड़ चुका हूँ, क्योंकि तेरे वजह से मेरे को बहुत ये करना पड़ा। वो रिटायर्ड हो गए थे, रिटायर्ड हो जाने के बाद भी मैं इतना उसको उनको सताया कि पूछो मत दोस्तों। वो बोलते थे कि बाबा तेरे को जमती नहीं, मत पी रहे बाबा, लेकिन मैं मानता नहीं था दोस्तों। वो चले गए 2012 को, और 13 में मैं ए में आया दोस्तों। ये क्या हुआ दोस्तों, आज भी मैं उनका ना आभार मान सकता हूँ। तो बहुत ही बोलते थे कि बेटा क्या लगा लाउरी बाबा, आते बूढ़ा बूढ़ी रहते थे, रिटायर्ड होने के बाद 25 साल वो जीवित रहे दोस्तों, और मेरे शौक की वजह से वो जल्दी चले गए दोस्त। क्या कमी आती, कुछ नहीं कमी आती दोस्तों, कमियां मेरे ऊपर थी दोस्त। मैं सोचता नहीं था दोस्तों, मैं विचार नहीं करता था, किसको किसको रोलता है मैं। सच में दोस्तों यानी ए में आने के बाद ये जो कुछ है, छोटे छोटे काम करता हूँ दोस्तों, घर के भी काम करता हूँ, मेरे कार्य क्षेत्र में भी ये करता हूँ, बड़े चाव से काम करता हूँ। मुझे जो मन पसंद है, जैसे घर के सामने जो जो मेरे मुझे जो अभी और यानी जो सरकारी बंगला है, तो सरकारी बंगले के वो कोई एक गेट भी नहीं थे, मैं लगाया दोस्तों। आज बड़े हो गए देखता हूँ उनकी तरफ, क्योंकि मुझे सबसे मानव से वो पेड़ में यानी वो ईश्वर दिखता है दोस्तों, उसकी छटनी भी करता है, उसको बढ़ते भी जाते हैं, फूल लगते हैं दोस्तों। यानी कभी कभी जो मेरा मायूस चेहरा है उसे देखकर प्रफुल्लित हो जाता है दोस्तों। ये देखो दोस्तों यानी ये चमत्कार नहीं तो क्या है। आज बीवी के चेहरे पर हंसी रहती है दोस्तों, कभी कभी आज भी डांट खानी पड़ती है दोस्तों, इतने साल होने के बाद भी वाला कमजोर नहीं था, क्योंकि मेरे जो शब्द थे वो शस्त्र की ओर रहते थे। मैं बंदूक से अगर गोली मारू तो रिटर्न नहीं आती दोस्तों, क्योंकि बंदूक से जो शब्द है, शब्द तो बहुत बड़े धारदार होते थे, आज नहीं होता है, उसमें तीव्रता नहीं है कुछ, और मुझे तीव्रता वो शब्दों की वजह से मेरा दोस्त दूर हो गए कुछ। आज बड़ा भाई भी फोन करता है, बच्चे भी फोन करते हैं, भाई चिंता है लोग, यानी ये सच में ये क्या मैं किया, ये शराबी बंद की वजह से। मेरा छोटा बच्चा बोलता है, आज भी बोलता है, चाहे दोस्तों कंपनी में लगा, पापा तुम्हारे ये क्या करके रख दिए, कितने रही है, उसको समझता दोस्तों। जो छोटा था तो कुछ नहीं पूछता था, आज वो समझदार हो गया। अभी उसका रिस्पॉन्सिबल यानी मैं ही हूँ, जिम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि ये करने के पीछे सब कुछ ये मेरे वजह से हुआ है, ना बीबी की सुना ना किसी के सुना दोस्तों। यानी ये अहंकार मेरे इसमें जब तक था वो बहुत ही, जब तक यानी जबरदस्त था उसका पगड़ा, जबरदस्त था। आज मुझे अहंकार नहीं दोस्तों, मैं किसी को विजयी नहीं पा सकता दोस्तों, उसके साथ चल सकता। आज भी जो नवागत जो भाई है उसको बोल सकता, तू भैया आते रहो,
हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ है, फिर ही जीवन में आएगा। सुख दुख तो रहते हैं दोस्तों, आज भी कभी कभी दुख आते हैं, सुख भी आते हैं, लेकिन मेरे से सबसे बड़ा वो तो परमेश्वर है दोस्तों, क्योंकि मैं परमेश्वर की जैसे ही रात में उठता हूँ और जमीन से जैसे ही पैर रखता हूँ तो मैं प्रेयर कर लेता हूँ, और रात में सोते समय उसका आढ़ावा भी लेता हूँ दोस्तों। तो ये बिग बुक के माध्यम से ये मुझे एक एक कदम आगे चलना है दोस्तों। और ये मैं जो आपने पुणे के केदार भाई, मैं उनसे वो बिग बुक का वो जो 12 कदम है उनके प्रश्न है, एंड बिग बुक में कहाँ कहाँ कौन से पायरा है, कौन से पेज पे, क्योंकि ये बिग बुक तो मुझे मालूम है भी यार, तो समझ में नहीं आता। तो ये ऐसे करते करते मैं बिग बुक के वर्कशॉप में जा चुका हूँ दोस्तों, किताब लेके, नया बुक बुक लेके और हाईलाइट वगैरह ये सब लेके यानी जाता हूँ दोस्तों, क्योंकि आज भी मुझे सीखना है दोस्तों। मैं पढ़ा नहीं सकता दोस्तों, पेशा मेरा पढ़ाई का है, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे भी मुझे सिखाते हैं, उनकी भी सुनता हूँ दोस्तों, यानी उनसे भी सीखना है, क्योंकि कोई पहले नहीं बोलता था, अरे ये रुपये का संस्कार है बाबा, या ऐसा 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 करना है, तो वो बताता है ऐसा नहीं ऐसा है, तो मजा लगता है दोस्तों, दोनों में इंटरेस्ट आता है। मैं उनको जबरदस्ती नहीं बोलता कि अरे आज का ये क्या करना है रे बाबा, नहीं सर ऐसा ऐसा करेंगे, हाँ ठीक है बाबा, तेरी इच्छा चले मेरी नहीं। और इसीलिए सच में आज जीवन जीने की जो बोलते हैं कि तू बता रहा, मैं कोई नहीं, और इसीलिए दोस्तों आज सच में मैंने कितने दिन हो गए क्या हो गए, मैं कभी लेन तक को कभी ये नहीं देता, मैं आज के दिन भी नया हूँ दोस्तों, उस टाइम भी नया था, आज भी नया हूँ, मैं पुराना कभी नहीं हो सकता हूँ दोस्तों, मुझे सदैव जीवन भर जो पढ़ते रहना है दोस्तों, सीखते रहना है, क्योंकि उससे ही मुझे कुछ ना कुछ भी मिलेगा। आज भी दोस्तों के साथ जाता हूँ, सब बातें चर्चा करते हैं, उनकी सुनता हूँ दोस्तों, मैं मेरी नहीं लगाता, पहले पहले वैसा था कि मैं उसका फोन आने के पहले मैं से उसको पूछता था, अरे उसकी क्या समस्या है, तू सुन रही बाबा, बीबी बोल रही थी, अरे ते का मन था सांग त्याना बोलू दिया, पर मी माजिस लाओ तो तुझे करियो, तो सो ना है, आज सुनता हूँ दोस्तों, बच्चे भी बोलते हैं, क्योंकि एकादा कुछ करना है, काम करना है, बेटा विषय पे ये करना है, बेटा ऐसा ऐसा करूँ क्या, बीबी को पूछता हूँ, बच्चों को पूछता हूँ, और उनका अगर हो कर रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी मनमानी नहीं लगा। और इसकी वजह से क्या होता है कि सबको मालूम होता है कि बाबा रे ये घर में एक यानी विचार है, उस विचार की वजह से तो आज धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं पहले बहुत बार ऐसे यानी कर चुका हूँ और जमीन पे गिरा हूँ दोस्तों। कभी भी मैं सोचता हूँ यानी आज भी बीवी बोलती है कि ये तुमने कर दिया, वो तुमने कर दिया, बोला अरे जो नहीं था मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, उसको समझा था उसको, अभी जो है वो तो उसको तो बचा ले बाबा, मैं तेरे साथ ही बोल, इसलिए दोस्तों आज भी यानी उसको दिलासा देता हूँ दोस्तों। अभी कितने दिन सोबर रहता, क्योंकि आज तक मैं सोबर हूँ अभी तक, सच में दोस्तों ये प्रोग्राम ऐसा है कि बहुत सारा है देने लायक है, क्योंकि मैं यहाँ स्टोर करके नहीं रख सकता उसको, आज भी उसको बोलता कि मैं स्टोर करके रखता हूँ, नहीं दोस्तों मुझे देना है, कहीं भी देना है, जो नवागत रहे कुछ भी रहे, क्योंकि मेरे ऊपर जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, मैं किसी को सुधारने के लिए नहीं आया दोस्तों, मेरा परिवर्तन देखे दूसरा आएगा। आज भी वही गाँव से मेरी शराब चालू थी, वही गाँव में रहता हूँ दोस्तों, आज जो अहरी का ग्रुप है दोस्तों, गुड मॉर्निंग समूह अल्ला बल्ली का ग्रुप है दोस्तों, आज भी रोज मीटिंग नहीं होते दोस्तों, तब भी मैं कभी कभी ये आपके ऑनलाइन मीटिंग में 2 से 3 जुड़ता हूँ दोस्तों, मैं बहुत बार कोशिश किया बोलूंगा बोलूंगा करके, लेकिन आज दिन निकला दोस्तों, और सुगेत भाई ने बहुत ही यानी उनका आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये दिन देखने को मिला दोस्तों, यानी बहुत समस्या थी, बहुत ये थी, ये समस्या तो यानी आती ही रहेंगी दोस्तों, लेकिन डरना नहीं है, भगवान है मेरे साथ, आज भी मैं अप डाउन करता हूँ दोस्तों, पहले डर लगता था, आज नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि तू अकेला नहीं, बाबा तेरे साथ भगवान है, और इसीलिए आज भी उनका सहारा लेता हूँ, घर से भी सपोर्ट मिलता है, बच्चों का सपोर्ट मिलता है, ये क्या है, ये चमत्कार नहीं तो क्या है, मैं कुछ लेके नहीं आया था दोस्तों। आज एक कभी एक गाना सुना कि बाबा तेरे को जो है, जो अपन बोलते हैं गीता सा, जो कुछ भी तेरा है वो दूसरे का रहेगा, है दोस्तों मालूम है मुझे, ये भी मेरा कुछ नहीं रहेगा, मेरी माँ मर गई अभी दो दो 3 महीने हो गए दोस्तों, यानी पिताजी मेरे घर में चले गए थे, क्योंकि वो बूढ़े थे, कोई नहीं रख रहा था, भाई थे लेकिन कोई नहीं रख रहा, यानी देखो ये के आने के बाद भी ये हुआ, अरे खुद के माँ बाप को अगर साला मैं ये करता हूँ तो मैं कैसे यानी ये करूँ, दूसरे को सुकून कैसे रख, सच में दोस्तों ऐसी गलतियां होती है कि
जाने के बाद याद आती है। दूसरे जब जीवित है उसके पास जाती नहीं, उसको पूछती नहीं, और जीवित नहीं है तो अपन अगर दूसरे को ऐसे करते रहेंगे तो मेरे भी माँ बाप भी कैसे होंगे फिर, यानी हमको भी वही, यानी वो यानी वैसे ही जिंदगी मिलेगी ना दोस्तों। ये भगवान का उसूल है, ये दुनिया का उसूल है दोस्तों। यानी जब तक है अच्छे है, बहुत बढ़िया है। आज भी यानी जो मेरा एकता समूह है उनका बहुत बहुत आभारी हो, चंद्रपुर के जो ए मूवमेंट है, ए जो सभा है उनके पास भी जाता हूँ दोस्तों। मैं किसी ग्रुप के लिए नहीं चलता, मेरे तो दोस्त है दोस्तों, क्योंकि मैं जब शराब यानी मेरी इसमें थी तो यही दोस्त थे मेरे। मैं तो मेरे पास दोस्त की यानी मैं ऐसा बोलता था कि मेरा दोस्त कोई नहीं है, लेकिन सच में ये कई जो साथ मिला और इतने इतने दोस्त हो गए दोस्तों हर वार्ड में। यानी देखो दोस्तों यानी ये क्या है, ये पूरा परिवार है दोस्तों, जो एक एक बोल के आज छोटा परिवार बड़ा विस्तार हो गया दोस्तों। पूरे होल ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में चला गया दोस्तों। ये क्या विशेष रूपा नहीं तो क्या है दोस्तों। कहीं भी जाओ फोन करो एक बार एक बंदे को, वो तैयार हो जाएगा दोस्तों। यानी ऐसी सिस्टम मैंने कभी नहीं देखी दोस्तों। कहीं भी जाओ, कहीं भी स्टेट में जाओ। पिछली बार दिल्ली गया था दोस्तों, बीबी और मैं घूमने चले गए, चंडीगढ़ गए थे दोस्तों। यानी सब यानी दारू पीने के इसमें तो मैं तो पूरा भूल चुका था। मैं मेरे गाँव से नहीं, घर से नहीं निकलता था, आज निकलता हूँ दोस्तों, घूमने के लिए निकलता हूँ। दोनों जाएंगे यार, बच्चे तो पास तो नहीं रहेंगे, वो उनको तो समय नहीं है, लेकिन अपने पास समय है तो चलो थोड़ा घूमने, तो ये करता हूँ दोस्तों। और बीबी को भी बोलता कि बाबा तेरी क्या इच्छा है बाबा, यदि कहीं शादी में चली जाए, अभी मेरे को टाइम नहीं रहा तो मैं कभी कभी जाता हूँ, वो जाती है कभी, रोकता नहीं दोस्तों। मैं तो बिल्कुल जाऊन को बिल्कुल, आज भी घर में अकेला हूँ दोस्तों, आज मुझे छुट्टी है धुपका लगी, लेकिन घर में अकेला नहीं हो दोस्तों, भगवान मेरे साथ। बीबी को सवेरे छोड़ दिया मैंने बस में, चली गई दोस्तों, वो मेरे वजह से वहां आई थी गढ़चिरौली जिले में, क्योंकि आज भी उसका जो क्षेत्र है ऑफिस है चंद्रपुर में भी है दोस्तों, क्योंकि जहां मैं वहां वो, क्योंकि ये बोलते हैं कि ये परमेश्वर है दोस्तों। मैं तो मैं पीते रहता था तो वो तो कब का छोड़ देते, आज नहीं होता दोस्तों, क्योंकि वो वहां भी है, तो मेरी मेरा विश्वास है दोस्तों। और ये विश्वास मुझे पूरे जीवन भर उसको साथ रखता है दोस्तों, क्योंकि हम तीन शब्दों का विश्वास है दोस्तों। बीबी का विश्वास जीतने के लिए पूरा जीवन लगता है दोस्तों, क्योंकि आज मैं बहुत लोगों का विश्वास तोड़ चुका हूँ दोस्तों, बहुत लोगों को मैंने दिल दुखा के आया हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं खुद दुखी हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं जीवन में पढ़ते समय भी बहुत दुखी था, मैं बहुत संघर्ष किया था दोस्तों, बहुत संघर्ष किया, लेकिन आज भी कभी कभी संघर्ष होता है दोस्तों, लेकिन वो अच्छे के लिए होता है। मैं अपने इसके लिए नहीं, मैं बताता बाबा मेरी समस्या ऐसी है, बाबा वो समझ लेती है, आज भी उसको समझने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, मेरे से कम पड़ी है लेकिन तजुर्बा ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि मैं आज भी तजुर्बा मेरे ऊपर नहीं है दोस्तों, जो बोलते हैं अनुभव आशा शक्ति, और इसलिए आज जो जो कुछ भी हो वो पत्नी की बदौलत ही हो दोस्तों, क्योंकि मेरी मार्गदर्शक वो है, पहली मार्गदर्शक, क्योंकि वो मुझे सर से पाँव तक पहचानती है, इनके मन में कौन सा विचार, ये क्यों चिंतित है, क्योंकि वो मैं जब तक उसका विश्वास नहीं जीतू तब तक मैं ये नहीं कर सकता। मैं घर की सफाई मुझे गुरु यानी गृह सफाई करना जरूरी है, अगर उसमें अगर विश्वास जीता तो मैं एक का जो मार्गदर्शक है उसमें उसका साथ लेता हूँ। आज भी मेरे मार्गदर्शक दुखी नहीं दोस्तों, मैं पूछता हूँ, मुझे कोई नहीं है, मैं नया नहीं ना पुराना नहीं दोस्तों, भैया ऐसा ऐसा होता है तो वो बताते हैं, और तब मन में परिवर्तन होता है दोस्तों, और यही करने की कोशिश करता हूँ। और सच में जितना बोलू कम है दोस्तों, मैं कुछ यानी मेरे कुछ बोलने की वजह से आपको दुख कुछ दुख दर्द हुए होंगे तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, माफ कर देना दोस्तों। और मैं सुगत भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ, और आप लोगों का बहुत बहुत आभार दोस्तों, मैं यहाँ पे शेयरिंग खत्म करता हूँ, धन्यवाद बहुत।